किस तरफ से जाएंगे? बहुत सारे लोग कहते कि हम अगर इंडिया से जंग हुई तो हम तैयार हैं। हकीकत यह है कि हमारी कौम को अंदाजा ही नहीं है कि तैयारी कहते किसको है। हमारी कौम बिल्कुल तैयार नहीं है, हमारे नौजवान तैयार नहीं है। इनको मालूम ही नहीं है कि अल्लाह ना करे अगर कोई ख़तरनाक सूरत हाल में जाना पड़ जाए तो उनको क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या ट्रेनिंग चाहिए और किस किस्म के माहौल में उनको गुजारा करना पड़ेगा। इकबाल जो कहते हैं ना कि मुझे जवानों की तन आसानी जो है वो खून के आंसू रुलाती है। तन आसानी का मतलब है हमारे नौजवान आजकल इतने सॉफ्ट हो गए। ये जो है जनरली ना, ये हमने अपना एक मैदान जंग का किट बनाया हुआ है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर सूरत हाल यहाँ पहुँच जाती है कि पाकिस्तान के शहरियों को पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तान का दिफा करना पड़ता है तो हमारे पास क्या इक्विपमेंट होना चाहिए। बात यह है कि कम से कम ये इक्विपमेंट, इसका वज़न पूरे सामान का तकरीबन 15 किलो बन रहा है। अगर आप 15 किलो का ये बैकपैक और अपना वेपन उठा के 10 मील कम से कम नहीं चल सकते तो इसका मतलब है कि आप फिट नहीं हैं, आप फिजिकली फिट हैं ही नहीं। आप मुसीबत बन जाएंगे अपने लिए भी और फौज के लिए भी जब कोई क्राइसिस का टाइम आएगा। यू नो, हमारे लोगों का एक बेसिक सवाल होता है, लोग अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि यार जब पाकिस्तान आर्मी है तो हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है, हमें इत्मीनान से बैठना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी इसको मैनेज कर लेगी। यूसी, हम लोग अपनी तारीख से सबक नहीं सीखते। 1971 में क्या हुआ था मशरकी पाकिस्तान में, जब मुक्ति बाहिनी ने पहले बगावत की थी। मुक्ति बाहिनी कौन लोग थे? वो तो शहर के अंदर के लोग थे,
जब मुक्ति बानी ने बगावत की तो पाकिस्तान आर्मी की पुश्त गैर महफूज हो गई थी, और गैर महफूज पुश्त होने की वजह से आर्मी को जब इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज पर जंग करनी पड़ी तो आप सरहदों को नहीं देख सके, और दुश्मन जब बाहर से आया तो चंद ही दिनों के अंदर ईस्ट पाकिस्तान सरेंडर हो गया। बात यह है कि फौजें हमेशा उस वक्त लड़ती हैं जब उनकी पुश्त महफूज हो। ये जो पिछले 18-20 साल से पाकिस्तान के अंदर जो जंग जारी है उसको तो हमें, उससे तो हमें सबक सीख लेना चाहिए था। 100,000 हम शहीद दे चुके हैं अभी तक ना, और अगर हम 100,000 शहीद दे चुके हैं और अभी भी BLA और TTP और MQM के दहशतगर्द पाकिस्तान में मौजूद हैं, उस वक्त तो एक मुक्तिबानी थी, आज कम से कम एक दर्जन से ज्यादा मुक्तिबानियां पाकिस्तान में। तो लोग कैसे ये अज्यूम करते हैं कि अगर इंडिया बाहर से हमला करेगा तो पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्द पाक फौज की पुश्त पर हमला नहीं करेंगे? लाजमन करेंगे। और ईस्ट पाकिस्तान में हमने इसीलिए अल बदर और अल शम्स बनाई थी पाकिस्तान आर्मी ने, दो उस वक्त रजाकार दस्ते थे, बंगालियों के थे वो, जो सिविलियंस थे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लड़के थे, जिनको तरबियत दी गई उस वक्त मैदान जंग में, बमुश्किल जो तरबियत दी जा सकती थी चंद हफ्तों में, उनको ट्रेन किया गया कि आप पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर मुक्ति बाहिनी का मुकाबला करें ताकि इंटरनल सिक्योरिटी अल बदर और शम्स को दे दी जाए और पाकिस्तान आर्मी बाहर के दुश्मन से मुकाबला कर सके। यही सूरत हाल आइंदा आने वाली जंगों में होगी। पूरी दुनिया की मिसालें हमारे सामने है ना, आप चाहे अमेरिकन राइट्स ले लें या सीरिया की सिविल वॉर ले लें। अब जंगें शहरों में होंगी, यहां अर्बन टेररिस्ट भी हैं, अर्बन दहशतगर्द भी हैं। आप देखते हैं कराची में रेंजर्स पे आर्मी पे हमले होते हैं, वजीरिस्तान में होते हैं, बलूचिस्तान में होते हैं, खुद पाकिस्तान के अंदर हमारी मुसल्ला फौज पर हमले हो रहे हैं ना। तो ये कैसे लोग इज्यूम कर लेते हैं कि आज हमको पाकिस्तान के नौजवानों को जो पाक फौज के साथ खड़े होकर पाकिस्तान का दिफा करना चाहते हैं उनको तरबियत की जरूरत नहीं है? दुनिया के सारे मुल्क क्यों तरबियत देते हैं अपने नौजवानों को? टर्की में 2 साल कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है, ईरान में 2 साल कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है, इंडिया कर रहा है कंपलसरी मिलिट्री सर्विस अपने नौजवानों के लिए। हम लोगों ने 1999 में नेशनल कैडेट कोर खत्म कर दी थी। जब मैं कॉलेज में था 1980-81 में तो हम लोगों ने पूरी पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर 2 साल ट्रेनिंग की थी। हमें परेड करनी आती थी, हमें डिसिप्लिन, बेसिक डिसिप्लिन हमें सिखाया गया था, हमें उस वक्त के जो वेपन्स थे, इवन लाइट मशीन गन LMG का इस्तेमाल भी हमें आता था, M1A1 एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल हमें दी गई थी ट्रेनिंग के लिए, उस जमाने के लिहाज से बड़ी जबरदस्त थी। तो बात यही है कि हमारे नौजवान ना फिजिकली फिट है, आजकल के शहरी नौजवान तो ये इतना फिजिकल फिट नहीं है कि इस तरह का 20 किलो का इक्विपमेंट उठा के 10 मील चल सके। कर सकता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के, शायद ही कोई कर सके, और ना उनके पास इक्विपमेंट है। लोग कहते हैं ये लाइसेंस नहीं मिल रहा है, वेपन हम नहीं ले सकते। अल्लाह के बंदे, वेपन के अलावा भी 1,000 चीजें होती हैं लेने के लिए जो आप बगैर लाइसेंस के ले सकते हैं। क्या टोपी लेने में या दस्ताना खरीदने में या बैकपैक लेने के लिए कौन सा लाइसेंस चाहिए आपको? कम से कम अपना किट तो तैयार रखो। जब इंसान किसी, जब आप सीरियस हैं कि पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर गजवा हिंद में या दुश्मनों के खिलाफ आपको अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, जो हर पाकिस्तानी करता है, किसी, कौन सा पाकिस्तानी है जो इनकार करेगा इस बात से? जब हम हर चीज के लिए तैयार हैं तो फिर अपना सामान क्यों नहीं जमा करते अपने आप को? जब आप एक कैंपिंग और हाइकिंग और माउंटेनियरिंग के लिए भी जाते हैं तो आप अपना इक्विपमेंट जमा करके रखते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं? तो फिर जब आपको तैयार, हथियार आपको आर्मी दे देगी, ट्रेनिंग आर्मी जंग की फायर करने की करा देगी, लेकिन आपके पास आपका बेसिक इक्विपमेंट जो आपको जरूरत है वो तो हो ना। तो आज हम थोड़ा सा वो इक्विपमेंट मैं दिखाता हूँ कि लेट्स सी कैप, सिंपल। आप क्योंकि आपको टोपी तो हर इंसान को चाहिए, मुख्तलिफ तरह की टोपियां, चाहे वो पी कैप हो, चाहे वो जंगल कैप हो, अपने माहौल के लिहाज से, आप रेगिस्तान में हैं, आप जंगल में हैं, आप शहरी इलाके में हैं, आपको अपना इक्विपमेंट पूरा करना है। ये ग्लव्स, टैक्टिकल ग्लव्स, ये लाइफ सेवर है, आपके हाथों को बचाते हैं, अगर आपके हाथ जख्मी हो जाए तो कोई काम आप फिर नहीं कर सकते ना? तो अपने साथ ये टैक्टिकल ग्लव्स, ये आम मिलते हैं, इनको इंसान लेके रखे। और ये लोड बेरिंग वेस्ट, और मजे की बात आपको बताएं कि ये लोड बेरिंग वेस्ट जो है मैंने सियालकोट से लिए, ये पाकिस्तान की बनी हुई है, पाकिस्तान की कंपनीज बना रही हैं। और जो सियालकोट के लोग हैं जरा तलाश करें कि कौन सी कंपनीज है जो सियालकोट में बना रही है और उसमें क्या क्या रखा हुआ, क्या क्या चीज़ों की गुंजाइश होती है। ऑफकोर्स इसमें मैंने अपने पूरा वेपन किट भी है, आम आदमियों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक के पास ये होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी अगर आप माउंटेनियरिंग पर जा रहे हैं, आउटिंग पर जा रहे हैं, तो ये
एक इंतहाई काम का इक्विपमेंट है। यानी इसमें चूंकि मैंने पूरा वेपन किट रखा हुआ है, तो जाहिर है ये दो मेरे एक्स्ट्रा मैगजीन्स हैं इसके अंदर, और ये दो चीज़ें जो हैं ये इमरजेंसी लाइट है। रात के वक्त आप इसको अगर तोड़ के किसी जगह डाल दें तो ये 12 घंटे तक उस पूरे इलाके को रोशन करके रखती है, ये इस तरह ग्लो लाइट कहलाती है। और ये बहुत काम की एक चीज़ है, अगेन आदमी तलाश करे तो मिल जाता है। ये स्ट्रॉ है लेकिन फिल्टर्ड स्ट्रॉ है। आपने देखा कि अभी हम जब अपनी मार्च कर रहे थे, रास्ते में गंदे पानी का जौहड़ मिला था हमें, गंदा पानी था, उसको पी तो नहीं सकते आप। तो ये स्ट्रॉ जो है लाइफ सेवर है कि आप इसको यहाँ से खोलिए, ऊपर से खोलिए, इसको पानी में डालें और आप डायरेक्टली इससे पानी पी सकते हैं, और जो पानी इसमें से गुजरेगा फिल्टर होकर आपके मुंह में आएगा। गदला पानी भी जिसमें मट्टी मिली हुई है आपके मुंह में साफ पानी पहुंचेगा। ये लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है। ये तो आप वैसे भी माउंटेनियरिंग पे पहाड़ों पे घर से बाहर निकले तो जिस तरह गंदा पानी मिलता है आपको उसमें, तो ये इक्विपमेंट मैंने इसके अंदर अपने साथ रखा हुआ है। इसके अंदर ऑफकोर्स मेरा होल्स्टर है, तो ये मेरा पिस्टल है इसके साथ। इसके अंदर मेरे पिस्टल का ये एक्स्ट्रा मैगजीन है। इसके अंदर मेरी टॉर्च है, दैट्स फॉर द इमरजेंसी पर्पसेस। हर आपके पास लाजमन एक टॉर्च होनी चाहिए हर वक्त। इसमें मेरा एक्स्ट्रा मैगजीन है पिस्टल का, इसमें मेरे पिस्टल का एक्स्ट्रा मैगजीन है, और इसके अंदर मल्टी टूल है। इसके अंदर छोटा सा आप अगर देखें तो ये एक टूल है जिसमें प्लास भी है, स्क्रू ड्राइवर्स भी हैं, मुख्तलिफ तरह के आरी रेती भी है। बड़े काम का टूल होता है, हज़ार काम करने पड़ते हैं आपको अपने, चाहे गन का पेच टाइट करना पड़े या कोई चीज़ आपकी ख़राब हो जाए, फंस जाए, वो सब। ये एक मल्टी टूल आपके पास, इसके अंदर भी छोटी सी टॉर्च भी लगी हुई है, और ये इसके अंदर फायर स्टार्टर है। यानी अगर आपने आग जलानी है तो आप अपने खंजर से इसको आप अगर रगड़ेंगे तो ये चिंगारी निकलेगी और आप उससे आग जला सकते हैं। तो ये एक बेसिक टूल आपके पास है। तो ये आप देखें कि जो लोड बेयरिंग वेस्ट है इसमें इतनी जेबें होती हैं कि ये एक अगेन छोटा सा फेस मास्क है, या आपने अगर ये पैराकॉर्ड ब्रेसलेट है, यानी ये डोरी होती है, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी पड़े तो आप इसको खोल के बहुत लंबी रस्सी बना सकते हैं, और उस रस्सी से आप मछली पकड़ सकते हैं, आप तीर कमान बना सकते हैं, आप अपना शामिया खेमा टेंट बांधने के लिए, शेल्टर बांधने के लिए, जिस तरह इसको अगर मैं बांध दूं दरख्तों के दरमियान में तो ये मेरे लिए शेड बन जाएगा बारिश पानी से बचने के लिए। तो ये सारे कामों के लिए छोटी सी एक रस्सी होती। ये कुछ इसमें मैंने एक्स्ट्रा बैटरी सेल रखे हुए हैं। जिस किस्म का इक्विपमेंट ज़ाहिर है, जब टॉर्च है मेरे पास तो मुझे उसके एक्स्ट्रा बैटरी सेल्स चाहिए, क्योंकि आप अगर कम अज़ कम एक आदमी के पास इतना सर्वाइवल होना चाहिए कि आप दो तीन दिन आप आउटडोर में फील्ड में गुजारा कर सकें बगैर सप्लाईज लिए हुए पीछे से, तो उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी सेल्स भी होने ज़रूरी हैं। सो यू कैन सी कि इस छोटे से नाउ यू नो कि जो एलबी भी मैंने पहनी हुई थी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। सो नाउ दैट पार्ट इज डन, लेट्स ओपन द बैकपैक। असल सरप्राइज तो इसके अंदर है। क्या चीज़ें छिपा के रखी हुई है। ये पूरा एक जादुई पटारा है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, ऊपर से देखें इसमें क्या क्या है। यू कैन सी ये जो बैकपैक है, पहले तो बैकपैक को देखें। यू सी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आपके किट का होता है वो बैकपैक ही होता है। ये जो मिलिट्री स्टाइल के बैकपैक हैं, ये ना सिर्फ ये कि आम बैकपैक से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बल्कि इनके अंदर पॉकेट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये वेबिंग हुई हुई है, इसको मॉली डिज़ाइन कहते हैं। यानी नाम इसका रखा हुआ है लोड बेयरिंग समथिंग, अंग्रेजी का कोई मुश्किल सी इसमें है कि लोड उठाने के लिए इसके अंदर आप एडजस्टेबल है। इसके अंदर से मुख्तलिफ चीज़ें गुजार गुजार के, जैसे आप देखें कि इसी मॉली पैकिंग के अंदर मैंने ये मेडिकल पैक लगाया हुआ है, इसी मॉली पैकिंग में यहाँ पर मैंने मेडिकल पैक लगाया हुआ है, तो ये इसको मैं निकाल के वहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, उसको मैं उस तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये एडजस्टेबल होता है, ये फ़ायदा होता है मॉली पैकिंग का कि आप इसके अंदर से चीज़ें निकाल निकाल के जो चीज़ें फिट करते जाए। यहाँ मैंने सो दिस इज़ अ वेरी हैवी ड्यूटी मिलिट्री स्पेसिफिकेशन बैकपैक। और आम जो आपके छोटे स्टूडेंट्स के या स्कूल के बच्चों के बैकपैक्स होते हैं वो रफ हैंडलिंग बर्दाश्त नहीं करते,
सो इससे पहले कि हम आगे जाएं, अगेन थोड़ा सा हम यूनिफॉर्म पे आते हैं। देखिए हर काम के लिए एक यूनिफॉर्म होता है। आप जब मस्जिद जाते हैं तो ईद की नमाज पे आप नहाते धोते शलवार कमीज पहनते हैं जाते हैं। आप रात को सोने के लिए अलग लिबास पहनते हैं, स्विमिंग के लिए अलग लिबास होता है आपके पास। इसी तरह जब आप जंग की बात करते हैं तो उसके लिए यूनिफॉर्म भी डिफरेंट होता है। ऐसा यूनिफॉर्म कि जो कांटों में, झाड़ियों में, रेगिस्तानों में, दरख्तों में, जंगलों में, कीचड़ में, हर जगह आपके जिस्म को भी बचाए, आप भी सरवाइव करें उसके अंदर, और कैमोफ्लाज भी हो। मैंने अक्सर पाकिस्तानी मीडिया को मैंने देखा है कि वजीरिस्तान जाते हैं, ट्राइबल एरियाज जाते हैं, सारी आर्मी ने कैमोफ्लाज पहना होता है, वो ऑरेंज कलर की शर्ट पहन के बीच में उल्लू का पट्टा घूम रहा है, पूरी फौज को भी मरवाएगा, दूर से नजर आएगा कि यहाँ पे सफेद शलवार कमीज और हवाई चप्पल में आप पहाड़ों पे नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को इसकी सेंस नहीं है कि हर चीज का एक अलग किट होता है। सो द ड्रेस दैट आई एम वियरिंग, यानी इवन ये ट्राउजर्स भी टैक्टिकल ट्राउजर कहलाती है। यानी ये एक तो बनी मोटे मजबूत कपड़े से, इट इज मेड फ्रॉम स्ट्रांग मटेरियल। फिर इसके आप सिक्स पॉकेट्स हैं, यहाँ पे एक पॉकेट है, यहाँ एक पॉकेट है, इसके आगे और पीछे पॉकेट्स हैं। और जो इसके एडवांस वर्जन हैं उनके अंदर बाकायदा नी पैड्स की जगह बनी हुई होती है, इसके बाद नीचे से बंद कर लिए जाते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं, स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है, यानी उसमें कोई लिमिट नहीं है, आप इंप्रूव करते चले जाएं ट्राउजर को। ट्राउजर इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर क्लोथ, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी सतर को बचाती है बल्कि आपकी जान को भी बचाती है। इट्स अ लाइफ सेविंग इक्विपमेंट एक्चुअली। इसकी जेबों में चीजें आप रखते हैं क्योंकि गन बेल्ट और होल्स्टर आप इसके ऊपर बांधते हैं, मुख्तलिफ इक्विपमेंट आप अपने साथ, पिस्टल, नाइफ, डैगर इसके अंदर आप इसके ऊपर। फिर ये शर्ट जिस तरह आप देख रहे हैं, अगेन एक टैक्टिकल शर्ट है, पैचेस यूनिट्स के या आपके पाकिस्तान का झंडा, ये सब कैमोफ्लाज आपको करता है। जिस माहौल में आप हैं उसमें आप कैमोफ्लाज होते हैं। इसी तरह ये जूते, ऑर्डनरी पीटी शू नहीं चलेंगे, यू हैव टू हैव जो आर्मी कम से कम जॉब, क्योंकि मार्केट में आम मिल रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी भी यूज कर रही है, चाइनीज अमेरिकन आर्मी भी यूज करती है वो जूते। तो ये जूते भी जो है दीज आर टफ शूज के, जो हर किस्म के एनवायरमेंट में काम करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर शूज, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपकी क्लोदिंग का जो है एक्चुअली जूता होता है। अगर जूता अनकंफर्टेबल है तो आप लंबी मार्च कर ही नहीं सकते। मुझे याद है जब मैं अफगानिस्तान में था एक मरतबा, तो मुझे 6 दिन की मार्च करके नॉर्दर्न अफगानिस्तान जाना था, तो मैंने ब्रांड न्यू जूता खरीदा जो बड़ा सख्त था, और मैंने उसको ब्रेक नहीं किया था, पहन के मैंने पाँव को एडजस्ट नहीं किया था उसके ऊपर। नतीजा ये हुआ कि जब मैंने मार्चिंग शुरू की तो पहले ही दिन मेरे पाँव में इतने मोटे मोटे छाले पड़ गए, और अगले 5 दिन मेरे लिए अजाब था किस तरीके से मैंने वो मार्च किया है। सो दैट वॉज माई लेसन विच यू लर्न आउट ऑफ योर स्टुपिडिटी, कि यार फॉर गॉड सेक जूता कंफर्टेबल खरीदा करो, और जब तक जूता कंफर्टेबल नहीं होगा तुम्हारी सारी मार्चिंग रह जाएगी। सो अगेन एज यू सेड के आपको पूरा यूनिफॉर्म, पूरा किट, LBV लोड बेरिंग वेस्ट आपको दिखाई, टोपी, ग्लव्स आपने देखे, और अब हम बैकपैक की तरफ आते हैं। बैकपैक ऊपर से मैंने आपको दिखाया था। सो इसमें है क्या, लेट्स ओपन द सरप्राइजेस। हाँ, सालगिरह पे खोलते हैं ना सरप्राइज, बच्चों के क्या क्या सरप्राइज आपके लिए। फर्स्ट ये एक क्या, ये कुल्हाड़ा। ये एक कुल्हाड़ा है, काफ से कुल्हाड़ा, और ये बहुत तेज कुल्हाड़ा है ये, लिहाजा इसको बहुत एहतियात के साथ, ठीक है ना, मुझे पता था कि मैं काटूंगा अपने आप को, कि हमेशा कोई ना कोई हरकत मैं करता ज़रूर हूँ ना। आप जब भी आउटडोर में होंगे आपको लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी। लकड़ियाँ काटने के लिए एक था लकड़हारा, तो आपको लकड़हारा बनना पड़ेगा कभी कभी, तो जिसके लिए। और अगर आपने टेंट खोदना है, आपने टेंट की ज़मीन खोदनी है, आपने पत्थर तोड़ने हैं, तो इसके लिए एक पिकैक्स पीछे बनी हुई है, यानी गेंती बेल्च, और ये आपका कुल्हाड़ा है जिससे आप, बल्कि आप इवन शिकार करते हैं तो हड्डियां तोड़ने काटने के लिए भी जानवर के, तो सबसे बढ़कर लकड़ी काटने के लिए। सो दिस इज अगेन, और इन केस ऑफ रियल डेस्परेट सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट हैंड टू हैंड, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ वेपन। सो आजकल चूंकि बहुत अच्छी अच्छी ये इक्विपमेंट जो है वो मिल जाता है, ईजिली अवेलेबल है, सो दैट्स वन। सो लेट्स कीप पुटिंग, लेट्स सी किस बैग में से निकलता क्या क्या है। ये दूसरा जो है, दिस इज माई मेडिकल पैक। ये है तो वैसे ही अमेरिकन आर्मी का, किसी अमरीकी को मार के किसी तालिबान ने ला के ये पेशावर में भेज दिए थे, सो आई गॉट अ फ्यू ऑफ देम। तो इसके ये बेसिकली अमेरिकन आर्मी वाला है। तो इसमें आपको ये
दो चीज़ें बड़ी काम की हैं उसमें। एक तो ये ट्रेंकोट या ट्रेंकोट कहते हैं इसको, ये आप खून अगर बहुत ज़्यादा निकल रहा हो ना तो आप इसको बांध के कस लेते हैं यहाँ पर, उससे खून रुकना खून रोक देता है ये पूरी तरह। तो उस तरह अगर कुछ जिस्म से या टांग से खून बह रहा हो तो इमरजेंसी में खून रोकने के लिए ये काम आता है। और ये जो इसके अंदर होती है ये पट्टी स्पेशल है जो खून क्लॉट करती है, यानी खून बह रहा हो तो वो उसको रोक देती है। और इसमें एक दस्ताना भी होता है, थोड़ी पट्टी भी है इसके एक्स्ट्रा। तो ये एक छोटा सा मेडिकल किट है जो कि इस्तेमाल के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए होती है, लेकिन इट इज़ एन एक्सट्रीमली यूजफुल इक्विपमेंट कि जो हर फौजी के पास होना चाहिए। इवन पाकिस्तान आर्मी भी इसको तलाश करती फिरती है, मेडिकल कोर वाले हमारे ढूंढ रहे होते हैं कहीं से ये हमें मिल जाए। और इसके बाद ये वाला मेडिकल पैक जो है ये मैंने ज़रा सिंपल वाला बनाया हुआ है। दिस इज दैट सिंपल कि आपने मेडिकल स्टोर से जाके मुख्तलिफ तरह की जो पट्टियाँ हैं खून रोकने वाली, और ऊपर आपने क्रेप बैंडेज भी है और इसके साथ दूसरी पट्टियाँ भी हैं। ये सिंपल बेसिकली जब आप ये थर्मल ब्लैंकेट्स हैं, यानी ये बहुत दिलचस्प चीज़ है, मैं ज़रा बताता हूँ क्या ये कहने को, ये सर्वाइवल बैग है बेसिकली। ये बहुत छोटे छोटे से बैग होते हैं, लेकिन आप बारिश में फंस जाएं, सर्दी में फंस जाएं, तो इसको खोल के आप अपने गिर्द लपेट लें तो ये आपकी बॉडी हीट मेंटेन रखता है। इवन अगर आदमी ज़ख्मी हो जाए जिसका खून बहुत ज़्यादा निकल गया, उसको आप लपेट दें इसमें तो उसका जिस्म को गर्म रखने के ये काम आता है। यू नो ये वो ख़ास तौर पर वो चीज़ें हैं क्योंकि जब आप मैदान जंग में होते हैं या फील्ड में होते हैं तो उस वक्त ज़ाहिर है हॉस्पिटल तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपने सर्वाइवल के लिए चाहिए ना, आपके पास इतना इक्विपमेंट होना चाहिए कि आप बंदे का खून रोक दें और उसको कम से कम नियरेस्ट मेडिकल स्टेशन तक पहुंचा सके, है ना। और अगर आपने ये कर लिया तो आप उस बंदे की जान बचा लेंगे। तो ये आपके पास, अब ये मेडिकल किट बनाना कितना मुश्किल है, व्हाट इज दैट, आई मीन देयर इज नथिंग इन इट, हर कोई भी कर सकता है। हाँ, अब असल पटारा खोलते हैं, लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके, बिस्मिल्लाह। ओ माय बेनेट, ये तो एक अच्छा सा नाइफ आपके पास जो है, ये असल में क्लाशनकोफ के साथ बेनेट है। इट्स अ वेरी वेरी गुड वेपन, क्योंकि ये इसका फ़ायदा ये है इस पर्टिकुलर बेनेट का कि एक तरफ से तो ये चाकू भी है जब आप जानवर ज़बह करें, इस तरफ से आ रही है आप लकड़ी को काट लें, और इन दोनों को आप आपस में मिला देना तो ये तारें काटने के काम भी आता है, वायर कटर बन जाता है ये। तो आपने कोई लोहे की तारें आ गई या बार्ड वायर्स आ गई तो उसको काटने के लिए, तो दिस इज़ रशियन टेक्नोलॉजी, कमाल है। यानी सिंपल चीज़ बनाते हैं और ऐसा उसके अंदर फंक्शंस होते हैं। नाउ दिस इज़ अगेन, ये छोटी सी मशेटी है, ये थोड़ा सा लंबा सा होता है, अगेन ये आ रही है एक तरह से समझे कि जब भी आ रही, ये लकड़ी काटने के भी काम आती है, लकड़ियाँ आपने काटनी है और ये झाड़ियाँ काटने के लिए खासतौर पर, जिस तरह आपने देखा अभी हम जंगली इलाके से गुजरे थे, अगर आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है तो ये रास्ता बनाने के लिए, ज़रूरी नहीं कि हर आदमी के पास हो, अगर आप रेगिस्तान में हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगेन वही कहा कि जिस माहौल में आप हैं, कश्मीर के पहाड़ों में मसलन अगर आप हैं तो आपको शायद इसकी ज़रूरत पड़े, बिकॉज कश्मीर सारा जंगली इलाका है, पहाड़ है वहाँ पर। नाउ दिस, ये एक स्काफ है आमतौर पर, जिस तरह फ़लस्तीनियों का रुमाल होता है इस तरह पीपल कैरी दिस स्काफ ऑलवेज। इसका फ़ायदा बहुत होता है क्योंकि आप अगर रेत आए, डस्ट आए, मट्टी आए तो आप इससे मुंह छुपा सकते हैं, कैमोफ्लाज के काम भी आता है इसको अपने ऊपर डालने, जिस किस्म के माहौल में है उस तरह का स्काफ जनरली ये LBB के साथ ही इस्तेमाल होता है। दिस इज़ अगेन अ फेस मास्क, ये अगर सख्त सर्दी में आप हैं, ठंडे इलाके में हैं तो ये आप चेहरे पे पहन लीजिए, आपको चेहरे को बर्फ़ को चेहरे को ठंडा नहीं लगता। ये अगेन डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट, आप किस में काम करें, गर्म इलाकों में ज़रूरत नहीं है, बर्फ़ानी इलाकों में आपको ज़रूरत पड़ती है, सियाचिन वगैरह में आपने देखा। ये अगेन बहुत काम का है, आपके बाजुओं के नीचे के पैक्स और ये आपके कोहनियों के पैक्स हैं, क्योंकि आप घुटनों के बल बैठते हैं, जैसे मैं भी बैठा हुआ हूँ, थोड़ी देर बैठा रहूँगा घुटने दुखेंगे, दैट्स व्हाई यू नीड दिस। ये अगेन आम मिलते हैं मार्केट में, कोई खुफिया चीज़ नहीं है। ये पूरा एक रेनकोट सेट है, पूरा रेनकोट है, इसमें ट्राउज़र और शर्ट है, ये हर तरह का होता है रेनकोट, खुला वाला भी होता है, पूरा पानी पल्ला जैसे फौजी ज़बान में कहते हैं। ये आजकल ज़रा मॉडर्न आ गए हैं जिनमें ट्राउज़र और जैकेट शर्ट है, बना बनाया पैकेट मिलता है आम स्पोर्ट्स की दुकानों से, मगर लाइफ सेवर है, क्योंकि अगर आप फील्ड में ड्यूटी दे रहे हैं, खड़े हैं ओपन एयर में, बारिश आ जाती है
तो फिर क्या करेंगे? रेनकोट आपको चाहिए? हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो है, बारिश हो रही हो तब भी छतरी लेके नहीं निकलते, तो रेनकोट तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान में किसी को मैंने आज तक रेनकोट पहने ही नहीं देखा सिवाय फौजियों के। हमें माशाल्लाह गीला होना बहुत अच्छा लगता है। ये जो चीज़ है ये बेसिकली पानी की बोतल है, यानी आज मैंने नहीं लगाई थी लेकिन इसको नॉर्मली लगाया जाता, छागल है ये, इसको उर्दू में छागल कहते हैं। आप खोल के आप भर लेते हैं और ये आप एक्चुअली पीछे पहन लेते हैं, बैकपैक की तरह पहनी जाती है। और इसकी जो टूटी है ये पीछे से आके आपके साथ लटकी रहती है और आप इससे यहाँ से आप पानी पीते रहते हैं। तो ये ठीक ठाक 2-3 लीटर पानी इसमें आ जाता है। एंड यू अगर आप एहतियात से इस्तेमाल करें तो 10-12-15 मील यू कैन वॉक विद दिस अमाउंट ऑफ वाटर। मुश्किल टमी बहुत काम का आइटम, अगेन स्पोर्ट्स और हंटिंग की दुकानों पे आम मिलता है ये। दैट वी हैव। अब मेरी ये पॉकेट जो है इसमें मैंने एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लव्स रखे हुए हैं, दस्ताने मेरे, अगेन यूजफुल आइटम है। और थोड़ा सा अब इस तरफ से आपको दिखाता, तो इधर से लें, देखिए इसमें क्या क्या है मेरे पास। यहाँ मैं निकाल के दिखाता, अगेन दिस इज़ अ मल्टी टूल, ये छोटा सा मल्टी टूल है इमरजेंसी में काम आने के लिए, आपको दिखाया था पहले भी। ये फायर स्टार्टर भी है और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर एक विसल भी है, सीटी भी है, कि आप अगर अपने जी एक सीटी भी है अगर आप अपने साथियों को बुलाना चाहते हैं, गुम हो गए साथियों से अलग हो गए तो एक विसल होती है उसके लिए। इसमें फायर स्टार्टर है, अगेन आग लगाने के लिए, अगर माचिस नहीं है आपके पास और आपने आग जलानी है तो आप इसके ज़रिए, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर कोई नहीं कर सकता। सो व्हेन यू हैव दिस इक्विपमेंट, लेकिन एहतियातन इसी काम के लिए मैंने एक लाइटर भी रखा हुआ है कि इसको आप जला के थोड़ी सी आग जला सकते हैं इफ़ यू नीड इट। और यहाँ पे मैंने अगेन इसमें 2-3 एक्स्ट्रा टॉर्चेज रखी हुई हैं, 2-3 हाथ की टॉर्चेज हैं। और ये जो है ये हेड लैम्प है, यानी इसको आप अपने सर पे लगा लेते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके हाथ फारिग हो जाते हैं और आप अपना सारा काम कर सकते हैं। आप चाहे मार्च कर रहे हो रात के वक्त, चाहे आप अपने टेंट के अंदर हों, कमरे में हों, काम करना हो, आपके हाथ फारिग हैं, तो हेडलाइट्स आर ऑलवेज वेरी वेरी यूजफुल आपके ये। अब चूंकि ये टॉर्चेज हैं लिहाजा इन टॉर्चेज के सेल भी होने चाहिए, वो जो पहले दिखाए थे मैंने आपको के सेल भी साथ रखे हुए हैं। तो लेट मी कीप पुटिंग देम बैक, क्योंकि अगर ये, या बल्कि इनको बाहर ही रखूं मैं, क्या ख्याल है? लेट्स सो एवरीबॉडी कैन सी व्हाट दे आर। इस उम्र यार की जंबील में से क्या क्या निकलता है लोग देखे तो सही ना। और अगेन ये भी छोटा सा एक टूल है, अगेन इसके अंदर एक चमचा है, कांटा है, इसके अंदर ये भी है, आई कैन टेक आउट, खाना खाने के लिए एक स्पून भी है आपके पास और एक कांटा भी है। नखरा तो पूरा होना चाहिए, जंग तो कभी भी हो सकती है। तो बहरहाल, सो दैट पॉकेट इज़ डन, आई थिंक आई आर डन फ्रॉम दिस साइड। तो बीच वाले को खोलते हैं, लेट्स सी क्या है। ओह ओके, सो व्हाट डू वी हैव हियर। अब मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने इसमें क्या रखा हुआ था, मुझे एक लिस्ट अलग से चाहिए होती है बताने के लिए कि पहली पॉकेट में क्या है, दूसरे में क्या है। वाटर फिल्टर, अगेन नेक्स्ट वाटर फिल्टर, क्योंकि एक वाटर फिल्टर तकरीबन ये कहते हैं 100 लीटर पानी, ये 150 लीटर पानी फिल्टर कर सकता है आराम से। अगर बहुत 150 लीटर का मतलब है कि 100 बोतलें पानी की, और पानी की 2 बोतलें आप रोज़ पीते हैं तो 30-40 दिन तक आपका एक पे गुजारा हो जाएगा, यू नो। ये वैसे तो रेनकोट है लेकिन ये बड़ा मल्टीपर्पज़ रेनकोट है, यानी इसको आप खोल दें तो ये शीट बन जाता है, इसको आप बांध दें तो छत बन जाता है, तारों के बीच में इसको लगा दें तो ये टेंट बन जाता है। एक सिंपल शीट है जिसको आप मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटरप्रूफ शीट है, लेकिन आप इसको पहने तो रेनकोट भी बन जाएगा। और जैसे कहा कि आजकल ये आमतौर पर फौजियों के पास यही होते हैं। दिस इज अ रोप, ये नायलॉन रोप, ये बड़ी काम आती है अगर पहाड़ से नीचे उतरना हो आपको, गाड़ी ख़राब हो जाए, गाड़ी खींचनी हो आपने, किसी का कट्टा भाग जाए तो पकड़ के बांध दें उससे, आप मतलब बहुत सारे काम कर सकते हैं आप इससे। यू नीड अ रोप विद इट, एंड ऑफ कोर्स दिस इज अगेन काइंड ऑफ अ कैमोफ्लाज नेट, इसको आप मुंह पे पहन लें तो ये आपको कैमोफ्लाज करने के काम आता है, जंगल में झाड़ियों में छुपने के लिए आप हैं तो यू कैन यूज इट। ये इंटरेस्टिंग आइटम है, ये एक फोल्डेबल बेलचा है, इसको आप निकालें बाहर, इसको इसके अंदर मुख्तलिफ ये इसके टूल्स हैं,
इसके अंदर वो बेलचा है, खोलें आप इसको लगा के बेलचा बन जाता है। तो ज़मीन खोदने के लिए आपका, ये मैं पूरा नहीं खोलूंगा क्योंकि बंद करना फिर लंबा काम है, लेकिन यू नो व्हाट इट इज़, यानी पूरा एक सेट बना बना। अगेन ये भी आपको स्पोर्ट्स और हंटिंग की दुकानों पर आम मिलता है। अब दूरबीन के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, मुझे हमेशा दूरबीन चाहिए थी दूर देखने के लिए। दिस इज है तो वैसे ये मरीन बायनॉक्युलर, ये नॉर्मली इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है इसका, कहते हैं इसको मरीन बायनॉक्युलर हैं, शायद समुद्रों में जहाज़ों पर इस्तेमाल होती होगी, लेकिन बहरहाल मैं तो इसको फील्ड में बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करता हूँ। और इसके अंदर पर्टिकुलरली एक फ़ायदा ये है कि आप जिस तरफ देख रहे होते हैं आपको डिग्री बता देती है कि आप मशरक में देख रहे हैं, मगरब में देख रहे हैं, आप शुमाल में, जनूब में, आपको डिग्रीज देती है ये। सो यू नो कि बाय जस्ट लुकिंग एट द बायनॉक्युलर यू नो कि मैं देख मशरक की तरफ रहा हूँ, सिंध कितनी है, कितने डिग्रीज हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल की है। और एक अच्छी दूरबीन हमेशा लाइफ सेवर होती है, आप चाहे इतनी कीमती दूरबीन ना लें, ये भी कोई इतनी कीमती नहीं है वैसे, फ्रेंकली ये 20-22 हज़ार रुपये की दूरबीन है, लेकिन अच्छी दूरबीनें भी 8-10 हज़ार में मिल जाती है छोटी वाली। दूरबीन लाजमन रखें, इट्स अ ग्रेट लाइफ सेविंग टूल स्पेशली इन हाई रिस्क एनवायरमेंट्स। चलिए ये अब ये दूसरा पटारा भी खाली हुआ, लेट्स ओपन द थर्ड वन। इसको अब मैं पीछे करता जाता हूँ। ओके सो हियर डू वी हैव वन इज द कटो ब्लेंड। ये मैंने क्यों रखा, इसका अभी उलमा ने फैसला नहीं किया, अभी इख्तलाफ है उस पर। लेकिन ये जो मेरा बाकी जो मेरी पॉकेट है दैट इज ऑल फुल ऑफ बैटरी सेल्स। एक्चुअली कहते हैं कि जब क्राइसिस होगा, जब बिजली चली जाएगी, जब लोगों को मुश्किल होगी, तो बैटरी सेल जो है वो करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होंगे, यानी लोग कहेंगे दो बैटरी सेल दो मुझे, मैं तो मैं खाने को इतना कुछ देता हूँ, यू नो एक्चुअली बिकॉज ये लाइफ सेवर है। और ये ज़्यादातर ये जो सेल्स हैं ये सारे चार्जेबल हैं। चार्जेबल का मतलब यही है कि इनके साथ छोटा सा चार्जर, सेल चार्जर लगा के सोलर के साथ या किसी और तरह आप इनको चार्ज भी कर सकते हैं। सो ये मुसलसल इस्तेमाल होते रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। अब ये जो इसके अंदर का बैकपैक है, ये पुराना, जब मैं अफगान जिहाद के वक्त था उस वक्त ये हमें मिला करते थे। ये बेसिकली फ्यूल है आग जलाने के लिए, यानी छोटे छोटे पैकेट आते थे, इनको आप बोलते, इनके अंदर ये बिस्किट है वाइट कलर का, लेकिन ये बिस्किट बेसिकली आग पकड़ लेता है आसानी से। तो आप बहुत सारी लकड़ियाँ, अगर बेशक गीली लकड़ियाँ भी हों जिनको आग नहीं पकड़ रहे, तो उसके बीच में आप रख के इसको आग लगा दें, ठक से ही आग पकड़ता है और वो सारी लकड़ियाँ जो आग पकड़ ली। सो इट हेल्प्स खाना पकाने के लिए या आग जलाने के लिए, ख़ासतौर पर जब बारिश हो रही हो, जब चीज़ें गीली हों, तो लोग ये आमतौर पर क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसके लिए पेट्रोल में या तेल में डूबी हुई रुई या थोड़ी सी घास रख लेते हैं साथ इसका, ताकि वो जल्दी से आग पकड़ ले, क्योंकि वरना बारिश में अगर आग लगानी हो खुले में तो मुश्किल हो जाती है, चीज़ें गीली होती हैं। ये दोबारा ये एक और रस्सी है। अब मैंने दो रस्सियाँ क्यों रखी, अगेन इस पर भी उलमा में इख्तलाफ है, लेकिन बहरहाल मैंने रख ली। तो दैट्स इट, दैट्स माय बैकपैक। अब इस छोटे से बैकपैक के अंदर क्या क्या सामान है ना, यू मेक अ गेस। यू सी ऑफकोर्स इसमें मैंने एमुनिशन नहीं रखा हुआ, अगर एक्चुअल कॉम्बैट में आप जाएंगे तो आपके पास अपना जिस तरह राइट वेपन है तो वेपन का एक्स्ट्रा एमुनिशन आप रखेंगे इसके अंदर, एंड दैट्स इट। इसमें अगर सिर्फ मैं एमुनिशन ऐड कर लूँ तो आई एम गुड टू गो, यानी और थोड़ा सा खाने का सामान, ऑफकोर्स इसमें खाना नहीं रखा मैंने, यानी अगर मैं चने रख लूँ, थोड़े ड्राई डेट्स रख लूँ, खजूरें रख लूँ, तो इन चीज़ों के ऊपर आप ठीक ठाक, यानी थोड़े से इन चीज़ों के ऊपर आप 3-4-5 दिन 6 दिन सर्वाइव कर सकते। सो व्हाट आई मीन टू से इज़, यू सी अब ये सारा सामान और उसके साथ एमुनिशन भी अगर आप ऐड कर लें तो मिल मिला के कोई 15 किलो के करीब बन जाता है। और दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू कैरी। अगर आप 15 किलो सामान उठा के अपना मार्च नहीं कर सकते जो आपका बेसिक किट है, तो देन यू आर नॉट फिजिकली फिट। आपको प्रैक्टिस यही करनी है, अगर आप सीरियस हैं कि पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर क्राइसिस टाइम पे पाकिस्तान का दिफा करेंगे, तो अपने आप को फिजिकली तैयार करें। हर चीज़ लाइसेंस और गन नहीं होती, ये सारी चीज़ें भी हैं, ट्रेनिंग भी है, इनका इस्तेमाल भी है। मेडिकल फर्स्ट एड सीखें, हमारे कितने लोग हैं, मैं देखता हूँ अक्सर, आप हमेशा रोज हम देखते हैं कि सड़क एक्सीडेंट होता है, कोई आदमी जख्मी पड़ा होता है, 50 लोग गिर्द खड़े होते हैं, तमाशा देख रहे होते हैं, किसी को ये नहीं पता होता कि इसकी जान बचाने के लिए या खून रोकने के लिए क्या करूं। किसी की गाड़ी में कोई मेडिकल किट नहीं होता कि कोई शख्स उतर के उसके जख्मों पर पट्टी बांध दे या खून रोक दे उसका। हमारी कौम अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम हर लिहाज से कोई हुनर नहीं जानती है, लाइफ सेविंग या सर्वाइवल के मुताबिक। तो इस वजह से हम बच्चों को कहते हैं, बच्चों तुम लोग तैयार नहीं हो,
अपने आप को तैयार करो। ये सामान इतना महंगा नहीं है, अगर आप सारे सामान की कीमत भी निकालें तो 15,000 के अंदर आ जाएगा। 1-1 लाख रुपए का यार मोबाइल फ़ोन ले सकते हो अगर तुम कोशिश भी करते तो। मैंने भी कोई सामान एक दिन में तो नहीं जमा किया, ये मुझे भी जमा करते 2-3 साल हो गए, आहिस्ता आहिस्ता जमा करती है, थोड़े थोड़े पैसे कर करते, अल्टीमेटली इधर से मंगवाई उधर से मंगवाई, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई दुबई से आ रहा है, किसी से एक चीज़ मंगाई किसी से दो चीज़ करते कराते, मुझे भी कोई 2-3 साल लगे सामान जमा करते यार। तो इट टेक्स टाइम, लेकिन आप सीरियस हो तो कर लेते। आप 20 लाख की गाड़ी ना खरीदें, 15 लाख की खरीद लें, 5 लाख का इक्विपमेंट ले लें, सर्वाइवल ले लें, खाना जमा कर लें, अगर सीरियस हो इंसान तो यू कैन डू इट। सो एनीवे, सो दैट वाज द पर्पस, मकसद आपको बताने का यही था कि यार आने वाला वक्त मुश्किलात का दौर है। आपने अमेरिका के हालात देख लिए है ना, जो कुछ ये कोरोना के बाद करने जा रहे हैं पूरी दुनिया में, ये सिर्फ जंगों की तरफ जा रहा है। मैं फॉल्स अलार्म नहीं रेज कर रहा हूँ, खौफजदा नहीं कर रहा आपको, मैं आपको मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहने का कह रहा हूँ। आप अगर मैसेंजर को डाकिए को गोली मार दें के खत में कोई अच्छी खबर नहीं है तो जहालत तो फिर आपकी हूं ना यार। अल्लाह इस पाकिस्तान का महाफिज हो, लेकिन सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, हम मुश्किल वक्त की तरफ जा रहे हैं। कौम ने जो पिछली कई दहाइयों से जो हमने हिमाकतें और गलतियां की हैं, हमने जो पहले 25 साल में हिमाकतें की थी उसकी सज़ा 71 में हमें लगी। यही पाकिस्तान था ना, यही आर्मी थी, यही ISI थी, यही जजेस थे, यही हुकूमत थी, यही निज़ाम था, यही ब्यूरोक्रेसी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान टूट गया। इंशाल्लाह पाकिस्तान अभी टूटेगा नहीं, लेकिन नुकसान हम बहुत उठाएंगे, क्योंकि आज एक मुक्तिबानी नहीं है। आज हमारे पास पाकिस्तान का कोई सूबा नहीं है जहां पर एक बड़ी बगावत ना बैठी हुई हो। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर से लेकर सरहद बलूचिस्तान कराची पंजाब में शायद मुसल्ला बगावत ना हो, लेकिन यहां पे ये जो नवाज शरीफ के हिमायती है ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह, सियासी जमातों के ये हिमायती, ये पाक फ़ौज की दुश्मनी में, पाकिस्तान की दुश्मनी में इतना आगे जा चुके हैं कि ये ऐन ख़तरे के वक्त पाकिस्तान की पुश्त में खंजर देंगे। नवाज शरीफ की असलियत कौन नहीं जानता, ज़रदारी की असलियत कौन नहीं जानता। तो दैट वॉज द पर्पस बॉयज, जस्ट वॉन्टेड टू शो यू दिस, ये इतना मुश्किल नहीं है करना। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह तुम लोगों को गज़वा हिंद नसीब करे, उस फ़ौज का हिस्सा बनाए जिसकी बिशारत सईदी रसूलुल्लाह ने अता फरमाई है, जो दिल्ली भी फतह करेगी, मुसलमानों की इज़्ज़त और आबरू का दिफा भी करेगी, और इंशाल्लाह फिर पलट के अल-क़ुद्स शरीफ भी आज़ाद करवाएगी यहूदियों से। नसीबों की बात है, लोग कहते हैं गज़वा हिंद तो हो चुका, यार तुम जो मर्ज़ी नाम दो, इंडिया से जंग तो होगी तुम्हारी। और ये जो गज़वा हिंद है ना, ये हर एक के लिए रहमत नहीं है, जो ज़ालिम हैं उनके लिए अज़ाब है, उनको सज़ा लगेगी इसमें। और जो अल्लाह के बंदे नियत करके इसमें गज़वा हिंद में भारत के साथ तसादुम में शरीक होंगे, वो मारे जाते हैं तो अफ़ज़ुल शुहदा में, वो अपना अजर पाएंगे, बाकी तो वैसे ही मारे तो बहुत जाएंगे इसमें। और ये आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप जितना मर्ज़ी देर कर दें, मोदी बैठा हुआ है, तैयारी कर चुका है, चंद महीने अगर लेट भी हो जाए, कब तक कितना लेट करोगे यार? फैसला कुन मार का तो होना है, चूँकि सईदी ने फरमा दिया। एनीवेज, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाज़त करे, आप लोग अपने आप को तैयार करो, एज आई सेड यू आर नॉट रेडी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाहुम्म सल्लि व सल्लम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही व सल्लम। या अल्लाह, हमें इजाज़त व तौफीक अता फरमाना कि गज़वा हिंद में शरीक हों और दिल्ली की फतह हमें नसीब हो, उस जमात में शामिल करना जो जिससे अल्लाह राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी, और सईदी रसूलुल्लाह उस पर अपना ख़ास करम फरमाए। पाकिस्तान, ओके बॉयज़, बिस्मिल्लाह।